नमस्कार, मैं काजल यादव स्वागत करती हूँ आपका हमारे न्यूज चैनल हिंदुस्तान न्यूज 24 में। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की। गिरिडीह के कृष्णानगर में खून हो गया रिश्तों का खून। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक भतीजे ने अपने पिता और भाई के साथ मिलकर अपने सगे चाचा की हत्या कर दी। हत्या भी ऐसे वैसे नहीं बल्कि कुल्हाड़ी से काटकर भतीजे के सर पर खून इस कदर सवार था कि उसने अपने चाचा पर कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हत्या करने के बाद हत्यारा भतीजा खुद थाना पहुंच गया और आत्मसमर्पण कर दिया। मृतक का नाम अमर सिंह व उसकी हत्या करने वाले भतीजे का नाम राहुल सिंह है। दरअसल अमर सिंह व उसके बड़े भाई चंद्रशेखर सिंह के बीच प्रॉपर्टी को लेकर बीते कुछ वर्षों से विवाद चल रहा था। इसी वजह से दोनों के बीच आए दिन तूतू मैमे होती रहती थी, पर किसी को यह अंदेशा न था कि इस विवाद की ऐसी परिणति होगी। गुरुवार को भी मृतक अमर सिंह घर पहुंचा और थोड़ी ही देर में उसका अपने पिता और बड़े भाई से झगड़ा होने लगा। इसी बीच मृतक का भतीजा जो पेशे से शिक्षक था अपने घर पहुंचा और उसने अपने चाचा और पिता चंद्रशेखर सिंह को झगड़ता देख इस झगड़े में वह भी कूद पड़ा और देखते देखते झगड़ा मारपीट में तब्दील हो गया। बस फिर क्या था, संख्या बल में भारी चंद्रशेखर सिंह व उसके अन्य बेटों ने जमीन पर गिरा दिया और राहुल सिंह ने अमर सिंह पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिससे घटनास्थल पर ही अमर सिंह की मौत हो गई। घटना के बाद राहुल ने तो पचम्बा थाना में आत्मसमर्पण कर दिया, पर चंद्रशेखर और उसके अन्य बेटों ने भागने का प्रयास किया, पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें भी पीटांड में गिरफ्तार कर लिया और पचम्बा थाना लेकर आई। फिलहाल सभी हिरासत में है और पचम्बा पुलिस गहन पूछताछ में जुटी है। जा मेरे साथ है तुमने भाई पकड़ा पकड़े लगा बेसुर मेरा गर्दन दबा इसको अमर सिंह को गर्दन दबा रूम से निकला बोला क्या हो गया भाई पति को लकीर तो छोड़ा सब भाग गए मोड़ पर फिर मोड़ से छोड़ा गला घर से निकले पकड़ा बेसुर कटवा दिया राहुल सिंह मारो राहुल सिंह टांगे लेके निकला घर से काट दिया राम को मारा बचाने जाते ढकल देता था काटता था फिर उठते थे मोहल्ले के लोग नहीं आए मर गया तब आया कोई नहीं अगर आता तो मर गया तब आया सभी आरोपी घर में थे सभी लोग घर में थे वो लोग मर गया क्या घर में नहीं थे क्या वो आया वही तो लड़ाई वही मर्डर हो गया हाँ, नहीं वो ठीक है मतलब वो घर आया शराब पी करके आया अमर सिंह हाँ हमारा रूम में ये है एक रूम है उसमें हम सोते हैं दोनों प्राणी तो आने के बाद में हमारा टीवी कभी नहीं चलाता था आज खूब वॉल्यूम जो हाई वॉल्यूम करके चलाया अमर सिंह हाँ तो हम कहीं यहाँ से उठ के चले गए हम छोटा रूम वहाँ जाकर के दो चप्पल मारा गंजी हमारा एगो था फाड़ दिया हाँ हम नहीं कुछ बोले कि ठीक है जो किया तो किया उसके बाद चंद्रशेखर सिंह का दो बेटा एक बेटा छोटा है वो चलो हमारे साथ क्या नाम है उनका छोटा बेटा का नाम है किट्टू सिंह तो वो बाप विरोध किया कि नहीं नहीं जाएगा रात है इसका कल परीक्षा है कार्मेल में ये नहीं जाएगा इसी में दोनों में भाई भाई में यहाँ पटका पटकी हो गया अमर सिंह चंद्रशेखर सिंह चंद्रशेखर सिंह पटका पटकी हो गया था हम आए थे हमारा काबू नहीं ना हम तो डायबिटीज पेशेंट हैं नहीं छोड़ा सके फिर सब किसी तरह दोनों अलग हुआ बुढ़ साला हम देखेंगे दोनों बाप बेटा को मार देंगे चंद्रशेखर सिंह का
वो लोग कैसे कहाँ से कुल्हाड़ी लाया, कहाँ से क्या किया, कैसे पकड़ा, हम नहीं देखे। कहीं को वहाँ पर हुआ, मर गया तब जाके हल्ला हुआ।